भिवानी की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस ने जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ में नीतू ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड। नीतू के रिंग में उतरते ही थम गई सभी की धड़कने। नीतू के गोल्डन पंच के बाद झूम उठे परिजन। पूरे गांव ने अपनी बेटी के गोल्डन पंच पर जताया गर्व। की बेटी जो गोल्ड लेकर आई है जी, बहुत बढ़िया है जी। सारा गांव दुआ करा था जी, बेटी गोल्ड ले आई है जी, बहुत बढ़िया है जी। सारा खुशी हो रही है रिश्तेदारा का जी, सबके जी, गांव वाले दादा दादी सबके, चाचे ताऊ सबके खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है। बहन भाइयों का सबके खुशी हो रही है जी। एक तो लगता था बेटी गोल्ड लेकर आई। हाँ जी, पूरी उम्मीद थी जी बेटी गोल्ड ले आओगी जी। तो बेटी को बाहर जाने में खेलने में काफी कठिनाई आई। हाँ आई है जी, वो परेशानी तो बहुत गणी आई है जी। बारिश आंदी 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 बेटी ने कैसे ले जाते, बाइक पर ले जाते, बीच जाती जी गाड़ी ली जी, फिर गाड़ी में ले जा कर दे जी गाड़ी का लोन लिया जी अपना, फिर वो किसी के हाथ उधारे तारने पड़े जी। तो किसी गांव वाले लोग अक्सर टोकते कि बेटी को कहाँ ले जाओ। हाँ जी, हाँ सारे पड़ोसी नु कहा कर दे, हम तो आवा हारिया, ये क्या करेगी लड़की है, इस टाइम लड़की का टाइम नहीं जाने का, 4:30 बजे प्रैक्टिस पर जा कर दे। फिर माँ बेटी अपनी खुली सोच है, लोगों की गंदी सोच है, सोचना अच्छी रखो, माँ अपने खुले विचार हैं, बेटी मेडल ले आओगी माँ। जो लोग ताने देते थे, आप बधाई देते? आज वो लोग सारे बेटी को जमा के तीनों कहें, बेटी हो तो ऐसी हो, पूरा भारत का नाम रोशन कर दिया, बेटी गोल्ड ले आई है। तो क्या खिलाएंगे पिलाएंगे जब नीतू घर पे आएगी? क्या घर पे आएगी जी? उसकी चूरमा जी, ये दूध लस्सी दही, ये चीज सारी देसी खुआवा। हाँ जी बेटी ना जी, अब आएगी क्या खिलाएंगे? ये आएगी जी, चूरमा खुआवांगे जी, मना के ना जी। नीतू देश के लिए 100% खरी उतरी है, मेहनत बहुत ज्यादा कर रखी थी नीतू ने, उस मेहनत का फल आज देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई और अपने देश का झंडा सबसे ऊंचे लहराया है, ये पूरा खुशी का माहौल है। तो किस खिलाड़ी या बॉक्सर से उसने प्रेरणा लेकर ये खेल शुरू किया था? मैं एक बार नहीं तो कहता, ये अपने चौधरी अपने विजेंद्र सिंह का मेडल आया था 2008 में, उससे प्रेरणा लेकर अपने बॉक्सिंग 2012 में शुरू करी थी नीतू ने। तो कितनी कठिनाइयाँ? कठिनाई तो बहुत ज़्यादा आई है, कठिनाई तो बहुत ज़्यादा आई है। मैंने भी अपने विधानसभा से विदाउट पे ली है लगभग 6-7 साल, तो बेटी के साथ जाता था सुबह से शाम, दोनों टाइम लेके जाके जगदीश को सब के पास लेके जाता था। कितनी उम्मीद है बेटी से आगे किस मुकाम तक जाएगी? तो बेटी से उम्मीद है कि गोल्ड मेडल लेके आएगी देश के लिए ओलंपिक में, यही उम्मीद है बेटी से। बहन को गोल्ड मेडल लाना ही था, क्योंकि चाचा चाची ने, दादा दादी ने, सबने इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिया था, बहन का गोल्ड आना पक्का था। तो जो विदेशी जमीन पर झंडा फहराया, कितनी खुशी? हाँ, जिस देश के हम गुलाम थे वहाँ जाके आज बहन ने झंडा फहराया, इससे बड़ी बात इंडिया के लिए कुछ नहीं हो सकती, कि जिस देश के हम गुलाम थे वहाँ पे उन्होंने झंडा फहराया। भाई तो फालतू और क्या कहेंगे, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, जीव का सब, जीव का पक्षी का भी लालच, जीव का सबका खुशी, इतनी खुशी हो रही है। अगर जो हमारी बेटी ने हमारे गांव का नाम रोशन कराया है, वो हमारे देश का नाम रोशन कराया, प्रदेश का नाम रोशन कराया, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये बेटी और बेटे खेलने लग रहे हैं ना, आप भी इस तरह जाओ जैसे नीतू करके आई है ना, क्योंकि हमारा बहुत इतनी खुशी है, हम पहाड़ा हाँ छोटे छोटे बच्चा न करके ना, इसीलिए पहाड़ा हाँ का हमारे बेटे गांव का नाम रोशन करें और हमारी बेटी गांव का नाम रोशन करें। और ये तो कहने की तो बात है भाई, दुनिया तो समाज है, कुछ भी कहेगी, जो करके दिखा दे है ना, फिर वो सब एक तरह झुक जावे हैं, तो आज बेटी ने वो करके दिखा दिया। मैं तेनों कह रही हूँ बहनों, कोई भी ना रोको अपनी बेटियाँ ने, एक ऊँचे मकान तक लेकर जाओ, जो हमारी आज नीतू करके आई है ना, ये सब की बेटी ये करके आओ, जो हमारे जिले में न्यू हुआ है, और हमारा गांव भी न्यू जाने जाओ, पूरा देश में जाने जाओ, अक भाई एक धनाना गांव है, और धनाना गांव में एक रितु बेटी अपना गोल्ड मेडल लेके आई है, और मैं तेने कहूँ जय जवान जय किसान, हमारी बेटी जो करके आई है ना, जो मांगा कि खाण में वही देवांगे।